हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा आज आपको लौकी का हलवा बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। लौकी के हलवे को आप किसी भी तरह की पार्टी, फेस्टिवल्स या व्रत में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यह खाने में जितना टेस्टी लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान है। झटपट बनने वाली रेसिपी है। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए एक लौकी, जो कि क्वांटिटी में लगभग हाफ केजी है। इसे मैंने धोकर पोंछ लिया है। 200 ग्राम मावा, इसे खोआ भी कहते हैं, 100 ग्राम चीनी, एक बड़ा चम्मच देसी घी जो कि क्वांटिटी में लगभग 50 ग्राम है, एक ग्लास दूध जो कि क्वांटिटी में लगभग 250 ग्राम है, 8 काजू बारीक कटे हुए, 8 बादाम बारीक कटे हुए, 15 से 20 किशमिश, आधा चम्मच इलायची पाउडर और लौकी के हलवे को गार्निश करने के लिए हमें चाहिए 3 फ्रेश रोज लीव्स बारीक कटी हुई, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, थोड़ी सी चिरौंजी। सबसे पहले मैं लौकी को दोनों सिरों से काटकर छील लेती हूँ। लौकी छिलकर तैयार है। अब मैं लौकी को दो पीसेस में काट लेती हूँ और ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लौकी का आउटर पार्ट ही कद्दूकस हो, अंदर वाला बीज वाला सॉफ्ट पार्ट कद्दूकस ना हो, नहीं तो बीज लौकी में मिक्स हो जाएंगे और हलवा अच्छा नहीं बनेगा। लौकी कद्दूकस होकर हलवा बनाने के लिए तैयार है। अब मैं लौकी का हलवा बनाने के लिए पैन गर्म करने रख देती हूँ और घी डाल देती हूँ। घी गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ और इसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालकर लाइट ब्राउन कलर आने तक भून लेती हूँ। काजू और बादाम लाइट ब्राउन कलर के भून चुके हैं। अब मैं इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर 1 मिनट के लिए पका लेती हूँ। एक मिनट हो चुका है, लौकी घी में हल्की पक चुकी है। अब मैं इसमें चीनी और 1 गिलास दूध डालकर 10 से 12 मिनट दूध सूखने तक पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम फुल रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है। लौकी में चीनी और दूध डाल देने से हलवा काफी लिक्विड हो जाता है, इसीलिए 10 से 12 मिनट पकाने में लौकी अच्छे से पक जाती है और दूध सूख जाता है। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, दूध सूख चुका है और हलवा थिक हो गया है। अब मैं इसमें मावा डालकर 3 से 4 मिनट पका लेती हूँ। गैस का फ्लेम फुल ही रखना है और हलवे को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो हलवा तली में चिपक कर जल जाएगा। कुछ लोग मावा को अलग से भूनकर भी हलवे में मिक्स करते हैं, पर मैंने डायरेक्ट मिक्स किया है क्योंकि मावा को हलवे में डालकर भी 3 से 4 मिनट पकाना होता है। 3 मिनट हो चुके हैं, लौकी और मावा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं।
अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालकर 1 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। एक मिनट हो चुका है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स होकर पक चुके हैं और कढ़ाई में घी दिखने लगा है। इसका मतलब है कि लौकी का हलवा बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। अब मैं लौकी के हलवे को कटे हुए काजू, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता और रोज लीप से गार्निश कर देती हूँ। लौकी का हलवा बनकर तैयार है। लौकी का हलवा बनकर तैयार है। आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।